गुवाहाटी के सड़कों पे आइसक्रीम खाते हुए, तो देखते हैं कहाँ पर। हम निकल जाएंगे उस प्रोग्राम के तरफ जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पर। वैसे आउटफिट कैसा है प्लीज़ बता देना। और हाँ चलिए जाते हैं। पूरा 10:05 हुआ है और उनका ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब एक तो मुझे नींद आ रही है, उसके बाद भूख भी लगी है, घूमने का भी मन हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। देखते हैं कल सुबह घूमने का प्लान बना है, क्योंकि 5 बजे को हमारा ट्रेन है, तो उससे आगे हमारा पास बहुत सारा टाइम होगा, तो इसलिए कल हम सुबह घूमेंगे। तो यहाँ पर अभी खाना खाएँगे इस होटल पर, तो ठीक है अभी हम होटल में जा रहे हैं, देख सकते हो। है बाहर घूमने के लिए, तो यहाँ पर एक बाजार है, तो चलिए अभी नहा धो कर जाते हैं।
ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो आसाम का गौरव है, और ये शायद उमानंद पहाड़ है। तो बेसिकली गाइस हम अभी निकल रहे हैं करीमगंज की तरफ, तो वीडियो तो नहीं करूँगा ठीक है सीधा, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है और रात को जर्नी है तो ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। अगर सीन होगा तो मैं बनाऊँगा, और दिमाग का तो पूरा एकदम मेरा सेंटिमेंट पूरा हाई हो गया है। सो मैं ये भी बनाना नहीं चाहता था, बट क्या करूँ। फ्रेश हो गया हूँ क्योंकि जो हमारा ट्रेन था वो 3 बजे पहुँच गया था बदरपुर स्टेशन पे। उसके बाद हम गाड़ी रिजर्व करके आए हैं करीमगंज में, लगभग 4:29 बज गया था। तो आया, उसके बाद नहा धोकर फिर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया, और उसके बाद इतना नींद आया था फिर मेरा कि मैं सो गया, क्योंकि ट्रेन में मतलब एकदम भी मुझे मतलब नींद नहीं आई, और फिर सो गया। और अभी थोड़ा पैंडल का काम चल रहा था तो देखकर अभी नहा कर दूसरी बार नहा लिया गलती से, और अभी आ रहा हूँ आपके सामने। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बता देना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है, चलो बाय।